अरहर की किस्म उषा 16 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद गेहूं की बुआई आसानी से की जा सकती है और इसकी पैदावार भी औसतन अगर हम देखें तो 18-19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। एक तरीका है जिससे कि हम फसल की जब बुआई करते हैं तो उसमें लगभग 120 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ाई की हम एक क्यारी बना देते हैं जिसे ब्रॉड बेड कहते हैं और उसके बाद 30 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक कुंड बना देते हैं जिसको फोरो कहते हैं। तो जो क्यारी है 120 सेंटीमीटर की उसमें हम 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर अरहर की फसल की बुवाई करते हैं। कुंड का बनाने से ये फायदा होता है कि जब खेत में नमी की कमी होती है तो वर्षा के दिनों में जो पानी क्यारी से इस कुंड में इकट्ठा हो जाता है तो वह नमी खेत के में काफी दिनों तक संचित रहती है और फसल के काम आती है। जब अधिक वर्षा होती है जो क्यारी है जो बेड्स हैं उनसे पानी अधिक जो होता है वो इस कुंड में इकट्ठा हो जाता है। इसको ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड भी कहते हैं। कुंड बनाने से खेत में हवा का संचार नियमित रूप से रहता है, उसमें प्रकाश की मात्रा अच्छी होती है, खेत में खरपतवार उगते हैं जिनमें चौड़ी पत्ती वाले जैसे ये खरपतवार हैं, इनमें ये डाइजेरा मीरी काटा है, ये कोमेलिना बंगाल एम्फिस है, तो इन खरपतवारों की पत्ती चौड़ी होती है, इनमें जो शाखाएं होती हैं वो जाल के रूप में होती हैं। ये सेजी है जिसमें मोथा खास रूप से आता है। इस पौधे का जो प्रोपागेशन यानी कि इसके जो पौधा नया बनता है वह ट्यूबर के द्वारा बनता है। इसमें यहाँ पर जड़ में गांठें होती हैं, जब हम इसको ऊपर से काटते हैं तो यह गांठ जमीन में रह जाती है और फिर उससे नया पौधा बन जाता है। इसलिए इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए जो सिस्टमिक हर्बिसाइड है जो खरपतवार नाशी है वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। वह इस पूरे पौधे में ट्रांसलोकेट होकर इनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं जिससे नया पौधा बनने की संभावना खत्म हो जाती है। जो तीसरा जो मुख्य जो खरपतवार उगते हैं वो नुकली पत्ती वाले यानी कि नैरोलीव खरपतवार होते हैं जिनकी पत्ती नुकली होती है और ये पत्ती में जो सिराएं होती हैं ये पैरेलल होती हैं और इनका जो तना होता है वह गोल होता है और चिकना होता है। तो खरपतवार उगने से पहले यदि खरपतवार नाशी जिसमें मेट्रोबीजिन जिसकी लगभग 250 ग्राम मात्रा प्रति लीटर 400 लीटर पानी में घोल बनाकर समान रूप से छिड़क दें, या तो अगर पेंडोमिथिलीन है तो उसकी 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट की दे सकते हैं। बाद जब फसल लगभग 30 दिन की हो जाए तो उसमें एक बार हाथ से निराई कर दें तो खेत की जो खरपतवार उगने वाले होते हैं उनकी संभावना कम हो जाएगी। फसल के उगने से पहले और खरपतवारों के उगने से पहले जो हम खरपतवार नाशी डालते हैं वह बुआई के लगभग 2 से 3 दिन तक ही डालना चाहिए। यदि उसके बाद डालेंगे तो उस खरपतवार नाशी का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। 30 दिन पे इमेजिथाइपर प्लस इमाजामॉक्स ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है प्रीमिक्स के नाम से, उसको हमने इसमें डाला लगभग 70 ग्राम प्रति हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट। पहली फसल है उसका जो भूसा होता है यानी कि जो रेवेन्यू होता है उसको डाला है तथा हमने पाया है कि जिस खेत में हमने रेवेन्यू 3 टन प्रति हेक्टेयर की दर से एज ए मल्च यानी कि बिछावन के रूप में डाला है तो उससे खेत में अनेक प्रकार के लाभ देखे गए हैं। सबसे मुख्य लाभ है कि बिछावन देने से खेत में नमी अधिक दिनों तक संचित रहती है। दूसरे खेत में जो खरपतवार उगते हैं उनको यह बिछावन जो हम भूसे की यानी कि रेजिडू की जो बिछावन देते हैं उसके द्वारा जो खरपतवार उगते हैं वो दब जाते हैं तथा जब यह रेजिडू खेत में सड़ता है तो सड़ने के बाद उसमें वह एक खाद के रूप में काम करता है जिससे पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ती है।